Hi everyone, welcome back. So we are now in the part 3 on how to approach for the NEET PG exam, and in last I will tell some must do topics also that will really help you. But before that, जो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, जो मेन कॉम्पिटिशन हमारा होने वाला है वो है ओनली 20,000 स्टूडेंट्स से ही. 20,000 स्टूडेंट्स से ही हमारा मेन कॉम्पिटिशन होने वाला है. बट इन 20,000 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई होगा, इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई होगा कि बस ये सिर्फ यही सोच कर आने वाले हैं कि एग्ज़ाम कैसा भी आए हमें सिर्फ हमारा सिलेक्शन लेना ही लेना है. चाहे एग्ज़ाम मुश्किल आएगा तो वो एग्ज़ाम सबके लिए ही मुश्किल होने वाला है. मैंने जितना पढ़ रखा है सब कुछ यूज़ करके मेरे को अपना सिलेक्शन लेना है. एंड लास्ट ईयर मैं इसी कैटेगरी में बिलोंग करता था. बट मेन थिंग जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ना है तो इन लास्ट 30 डेज में आपको 3 चीज़ें करनी होगी. सो फर्स्ट थिंग कि मैं हमेशा आपको GTs देने के लिए क्यों बोलता रहता हूँ, GT ग्रैंड टेस्ट देने के लिए हमेशा क्यों बोलता हूँ. द मेन थिंग इज कि ग्रैंड टेस्ट देने से आपकी नंबर 1 स्पीड इंक्रीज होगी. नंबर 1 इज स्पीड इंक्रीज होगी. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो नीट PG 2020 का एग्ज़ाम आया था, अब जब भी किसी से पूछोगे तो हर कोई यही बोलेगा कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेंथी था. बट मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उस एग्ज़ाम को मैंने 45 मिनट्स पहले ही ख़त्म कर दिया था. 45 मिनट्स पहले ही मैंने एक बार सारे क्वेश्चन को देख लिया था. देन लास्ट मेरे पास 45 मिनट्स थे कि जो क्वेश्चन मैंने रिव्यू के लिए रखे हुए हैं उनको मैं अच्छे से रिव्यू कर पाऊँ. सो इसलिए ग्रैंड टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है. और सेकंड थिंग, एग्जाम में आपको कंटिन्यूस 3.5 आवर्स के लिए, कंटिन्यूस 3.5 आवर्स से सेम फोकस से क्वेश्चन मार्क करने हैं. सो इससे आपका माइंड ट्रेन होता है. 3.5 आवर तक माइंड को वर्क करना है, तो इससे ग्रैंड टेस्ट देने से वो माइंड प्रिपेयर रहेगा. सो इसलिए ग्रैंड टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इन फाइनली जो ये लास्ट डेज हैं इनमें आपको पर वीक 2 ग्रैंड टेस्ट देने हैं. 2 ग्रैंड टेस्ट आपको हर वीक देने हैं, एक्सेप्ट द लास्ट वीक. लास्ट वीक आप चाहे ग्रैंड टेस्ट मत दो, बट जो रिमेनिंग जो वीक्स है उनमें आपको 2 ग्रैंड टेस्ट तो देने ही है. देन सेकंड थिंग, ये जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ये थोड़ा ना स्मार्टली वर्क करते हैं. तो जो ये क्या करते हैं कि जो वोलाटाइल सब्जेक्ट्स होते हैं, वोलाटाइल सब्जेक्ट, एंड वोलाटाइल सब्जेक्ट्स में क्या आता है, ABPP, एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री PSM एंड फार्मा. सो ये जो वोलाटाइल सब्जेक्ट्स हैं इनको क्या करना है, वोलाटाइल सब्जेक्ट्स को आपको ओनली लास्ट के 5 डेज में रिवीजन करना है. लास्ट के 5 डेज आपको इन वोलाटाइल सब्जेक्ट्स के लिए बचा कर रखने हैं, एंड एग्जाम में अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो आप उसको ठीक कर पाओ. सो वोलाटाइल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको लास्ट में करना है. देन थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अभी जितने भी दिन रहते हैं इन दिनों में आपको 10 to 12 hours पर डे पढ़ना ही पढ़ना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपको अपना सोर्स चेंज नहीं करना है. अगर आपने नोट्स से पढ़ा है तो आप नोट्स से ही पढ़ोगे, क्योंकि जो इमेज बेस्ड मेमोरी है उसको चेंज नहीं करना है. एंड वो इमेज बेस्ड मेमोरी जो होती है वो एग्जाम में बहुत काम आने वाली है. सो सोर्स को चेंज नहीं करना है, और 10 to 12 hours डेली अब पढ़ना ही पढ़ना है. कुछ भी हो जाए 10 to 12 hours पढ़ना है. एंड लास्ट इज सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी हमें कोई डाउट्स हो रहा है तो उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना है. कोई भी अगर हमें डाउट है, अगर कोई भी डाउट है उसको उसी टाइम क्लियर करना है. बुक खोल के कहीं से भी, ऐप से, बुक से, नोट से, कहीं से भी कोई भी डाउट हो रहा है उसको उसी टाइम क्लियर कर लेना है. ये नहीं कि मैं बाद में देख लूँगा उस डाउट को.
मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मेरा सिंगल बेड होता था, तो सिंगल बेड पे मैं हाफ बेड पे सोता था, और हाफ बेड पे तो मेरी बुक्स रखी रहती थी, ताकि अगर सपने में भी कुछ डाउट होने लग जाए ना, तो उठकर उसको डाउट को मैं देख लूँ। तो वो चीज़ आपको आपको भी करनी है अब, कि बाद में डाउट्स के लिए नहीं छोड़ना है। सो नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट द मस्ट डू टॉपिक्स, मस्ट डू टॉपिक्स। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑन मस्ट डू टॉपिक। सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज सर्जरी, एंड सर्जरी में सबसे पहले ब्रेस्ट में हमें पढ़ना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ब्रेस्ट ट्यूमर्स। ब्रेस्ट ट्यूमर्स में बिनाइन एज वेल एज मैलिग्नेंट। देन इन थायरॉयड, थायरॉयड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थायरॉयड कार्सिनोमा, देन थायरॉयडाइटिस एंड थायरोग्लोसल सिस्ट। देन इन पैराथायरॉयड में मैन सिंड्रोम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। देन एड्रिनल में फ्योक्रोमासाइटोमा एंड न्यूरोब्लास्टोमा। देन इन लीवर, लीवर एब्सेस, हाइडेटेड सिस्ट, लीवर कार्सिनोमा बिनाइन एज वेल एज मैलिग्नेंट। इन बिनाइन FNH, मेंजियोमा, हिपेटिक एडिनोमा। इन मैलिग्नेंट HCC। देन पोर्टल हाइपरटेंशन, बर्चियारी सिंड्रोम एंड EHPVO, एक्स्ट्रा हिपेटिक पोर्टल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। देन इन गोल ब्लैडर, गोल स्टोन, इट्स कॉम्प्लिकेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। देन कोलेडोकल सिस्ट एंड CVD स्टोन्स एंड इट्स मैनेजमेंट। देन PSC, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, देन कोलेंजियोकार्सिनोमा। देन इन पेनक्रियास, फर्स्ट टॉपिक इज पेनक्रेटाइटिस, एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। देन CA पेनक्रियास, रेडियोलॉजिकल साइंस, वी हैव टू नो अबाउट द विपल्स सर्जरी। देन इंसुलिनोमा, गैस्ट्रिनोमा, ग्लूकेगनोमा एंड वाइपोमा। एंड द सिस्टिक न्यूप्लाज्म ऑफ पेनक्रियास में इपमेन। देन इसोफेगस में जर्ड सर्जरीज, जेंकर्स डाइवर्टिकुलम, एक्लेजिया कार्डिया, बैरेट्स इसोफेगस, CDH कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, डिस्फेजिया लुसोरिया एंड बोरहाउस सिंड्रोम। इन स्टमक पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉम्प्लिकेशन, डंपिंग सिंड्रोम, अपर GI ब्लीड एंड इट्स मैनेजमेंट, CA स्टमक, जिस्ट एंड CHPS, कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। देन रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस एंड इट्स कॉजेस। देन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, वी हैव टू नो अबाउट द डायनेमिक एज वेल एज ए डायनेमिक कॉजेस एंड रेडियोलॉजिकल साइंस ऑफ वोल्वुलस इंटरोसेप्टम। देन मैकल्स डाइवर्टिकुलम, देन SMA सिंड्रोम, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम, देन कार्सिनोइड सिंड्रोम मैनिफेस्टेशन, स्पेशली द कार्डियक मैनिफेस्टेशन वी हैव टू नो। देन लार्ज बाउल में वी हैव टू लर्न अबाउट द हर्षप्रंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोलोरेक्टल पॉलिप्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फैप, CA कोलोन एंड रेक्टम। देन IBD, दैट इज क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। देन अपेंडिक्स एंड इट्स सर्जरी नेम्स, अपेंडिक्स सर्जरी नेम्स। देन हिमरॉइड्स एंड फिस्टुला इन एनो। देन हर्निया, हर्निया में इंग्वाइनल सर्जरीज एंड टाइप्स ऑफ हर्निया, नेम्ड हर्नियाज। देन इन किडनी में फर्स्ट इज स्टोन्स एंड इट्स मैनेजमेंट। देन ट्यूमर में बिनाइन एज वेल एज मैलिग्नेंट, सो इन बिनाइन एंजियोमायोलाइपोमा एंड ऑन्कोसाइटोमा। एंड देन विल्म्स ट्यूमर, देन VUR, वेसाइकोयूरेट्रिक रिफ्लक्स। देन इन यूरिनरी ब्लैडर, फर्स्ट टॉपिक इज ब्लैडर इंजरी, देन CA ब्लैडर। इन प्रोस्टेट, BPH एंड CA प्रोस्टेट। देन हाइपोस्पेडियासिस, पायरेनोस डिजीज एंड यूरेथ्रल ट्रोमा। देन वेरिकोसील एंड टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेमिनोमा। देन बर्जर्स डिजीज, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। देन एन्यूरिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म एंड इट्स मैनेजमेंट।
then aortic dissection, DVT, varicose vein and venous ulcer and its classification. Then we must know about the anterior, middle, posterior mediastinal mass examples. Then pneumothorax, cardiac tamponade, liver, renal and splenic trauma, EDH, SDH, SAH, Lefort fractures, and we must know about the FAST, role of FAST in the trauma. Then burns, types of flaps, then malignant melanoma, then parotid tumors, tongue carcinoma, CA oral cavity, then cystic hygroma, cleft lip and cleft palate, in case surgery duration. Then rhabdomyosarcoma, then sutures, instruments and blades, then SSI, surgical site infection, sepsis wound score. That's all for surgery. Do like, subscribe and share this video, and rest of the subjects I will cover in part 4. So then all the best. Thank you.